नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल माय फैमिली व्लॉग। तो देखिए ये कुछ आज शर्ट्स निकाली है मैंने, बहुत पुरानी है, इन्हें कोई पहनता नहीं है और इनकी मैंने छोटे छोटे पीसीज में, बहुत छोटे छोटे पीसीज में इस तरह से कटिंग कर ली है। काफ़ी समय तो लगा था कटिंग करने में, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसका कर ही लिया। इसको टो में अगर इस तरह से लगा के करोगे तो आपके हैंड भी कम पेन करेंगे और आसानी से कट भी हो जाता है। बहुत छोटे छोटे पीसेस मैंने किए हैं इस तरह से छोटे छोटे, तो देखिए इतने तो मैं कर चुकी हूँ और धीरे धीरे मैं सारे ही कर लूँगी। तो देखिए ये मैंने लगभग सारी जितनी भी शर्ट्स थी या मेरे पास पहले से कोई कपड़ा काटा है उसकी छोटी मोटी कटिंग्स पड़ी थी वो मैंने सब कट कर ली। तो ये मेरे पास एक साड़ी है जो पहले भी मैंने एक बार रीयूज़ की थी, पुरानी साड़ी है मम्मी की। तो देखिए इसको मैं एक कुशन बनाऊंगी इस साड़ी का यूज़ करके और इन कतरंस का यूज़ करके जो मैंने अभी आपके सामने छोटी छोटी पीसेस में कट की थी शर्ट्स के, जो छोटे छोटे पुरानी शर्ट के जो छोटे छोटे पीसेस थे उनसे जो कतरें काटी हैं छोटी उनको और इस यूज़लेस साड़ी को या यूज्ड साड़ी को मैं यूज़ करके और कुशन बनाऊंगी। तो देखिए ये एक मेरे पास कुशन है, इसका मैंने साइज़ का इस साड़ी को फोल्ड कर लिया था और जितना मुझे स्टिचिंग करना है उतना मैंने मार्कर से मार्क भी कर लिया है। एक्चुअली ये साड़ी जो है ये जॉर्जेट है, जॉर्जेट बहुत मज़बूत होता है, अगर आप इसे अंदर से रीफोल्ड भी नहीं करेंगे तो ये धागा इसका नहीं निकलेगा। तो मैं इसको अंदर से फोल्ड नहीं करूँगी सिलाई करते समय, क्योंकि मज़बूत है और जॉर्जेट का धागा नहीं निकलता है। इवन आप विश्वास नहीं करेंगे कि जॉर्जेट के दुपट्टे सालों तक हम यूज़ नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो नए के नए बने रहते हैं। जॉर्जेट की साड़ियाँ कलर नहीं जाता है, जॉर्जेट की साड़ियों में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है क्योंकि मेरे पास जो कतरे हैं वो सिर्फ इतनी हैं कि मैं दो ही कुशन बना पाऊँगी इनसे। तो इस तरह से आप कितने ही बना सकते हैं और मैं किसी दूसरी वीडियो में भी आपको अलग तरह के कतरे ही यूज़ करके कुशन बनाना ज़रूर सिखाऊँगी। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है उस ब्लू वाले कुशन से मेज़र करके और इस तरह से दो कुशन कवर के लिए मैंने दो पीसेस कट कर लिए हैं इस साड़ी से, ये फर्स्ट और ये सेकंड पीस है। तो मैंने अब क्या किया है कि इस साड़ी में जो मैंने मार्क किया था ब्लैक से उस कुशन के हिसाब से कितना बड़ा है वो कुशन साइज़ के हिसाब से चारों तरफ से सिलाई कर ली, लेकिन एक साइड से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है जिससे कि मैं कतरे जो हैं वो आसानी से मैं इसके अंदर फिल कर सकूं। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको सीला नहीं है और यहाँ से ही मैं इसको सीधा कर लूँगी, उल्टी साइड से सीला था, यहाँ से मैं इसको सीधा कर लूँगी कॉर्नर्स को पकड़ के और मैं इसके अंदर कतरे फिल कर दूँगी। देखिए अच्छे से कॉर्नर्स को कर लीजिए क्योंकि फिर अगर कॉर्नर रह गया तो शेप अच्छे से कुशन की नहीं आती है। तो देखिए ये बिल्कुल मैंने सीधा कर लिया है अच्छे से और कोई धागा अगर टूटना था वो भी निकल जाएगा इसे अच्छे से खींच खींच के। और अब इसमें मैं सारे में कतरे फिल कर दूंगी उस हिसाब से जितना हैवी मुझे चाहिए ये, जितना थिक मुझे चाहिए ये और जितना फ्लफी मुझे चाहिए। और एक चीज़ और है, छोटी कतरे भरने का एक फ़ायदा और है कि जिस तरह से आप सॉफ्ट कॉटन भरते हैं उसी तरह से वो सॉफ्ट होता है। हाँ ये इतना सॉफ्ट कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, आपको उसे रखने में दिक्कत होती है, लेकिन इस इन कतरों से भी आपका जो कुशन है वो हैवी वाला कुशन नहीं बनेगा जो बहुत कपड़े भर देते हैं हम बड़े बड़े, तो उससे वो कुशन क्या होता है बहुत भारी हो जाता है और वो आपके सिर में भी दर्द करता है लगाने में। लेकिन इससे जो कुशन बनेगा वो सॉफ्ट ही होगा और उसको आप अगर सिर के नीचे लगाएंगे या बैठेंगे लेके तो आपको अच्छा लगेगा, ये भी फ्लफी ही होगा। हाँ माना कि उस कॉटन की इतना फ्लफी नहीं होगा बट ये बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत हार्ड नहीं बनेगा और एक लिमिटेड फ्लफीनेस इसके अंदर होगी। तो देखिए मैंने कतरे भर के और इस तरह से इसमें सिलाई कर दी है। साइड में नॉट ज़रूर लगाई है क्योंकि सिलाई हट जाती है, तो नॉट मैंने आपको अभी अभी बताई भी थी और मैं एक बार दोबारा बाद में बता दूंगी आपको किसी और वीडियो में कि नॉट कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने इसमें कतरे भर के और इसको सिलाई कर दिया है।
तो देखिए मेरे दोनों कुशन को मैंने इसी तरह फिल किया है, और मैं इनको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाया है, और बहुत लाइट है ये, और बहुत अच्छे लग रहे हैं देखिए। तो अब मैं इनके कवर आपको बनाना सिखाऊंगी। ये तो मेरे पास पुरानी साड़ी थी, तो मैंने कवर, आप उनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, जयपुरी प्रिंट में है। ये है शर्ट, और ये चेक में शर्ट है, जो फटी तो नहीं है लेकिन पहनता कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं यूज़ कर लूँ। तो मैंने इसकी दोनों तरफ से पहले स्लीव्स कट कर दी हैं, और जो कॉलर वाला हिस्सा है उसको भी निकाल दिया है, शोल्डर वाला जो हिस्सा है। तो देखिए इस तरह से मैंने उसको स्ट्रेट करके और आराम से उसको कट कर दिया है। और अब मैं इसकी जो दूसरी वाली स्लीव है उस जगह से भी इसको स्ट्रेट कट कर दूंगी। तो देखिए शर्ट को मैंने इस तरह से कट कर दिया है। और एक ये शर्ट जो है वो काफ़ी लंबी है, और मैं आराम से इसमें से आसानी से दो कुशन निकाल सकती हूँ। तो देखिए शर्ट को मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया है, बटन्स को मैं नहीं हटाऊंगी, इन्हीं बटन्स का मैं यूज़ करूंगी। इसके जैसे चेन लगा देते हो आप, सिलाई कर देते हो, लेकिन मैं इनमें बटन का यूज़ करूंगी। और आप देखना कि बटन के यूज़ से जो ये कुशन बनेगा, कवर बनेगा, ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर कवर बनेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है, बटन लगा दिए हैं सारे, और इसको बीच में से फोल्ड कर दिया है। अच्छे से फोल्ड कीजिए, दोनों पीसेस बराबर आए। और अब मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है। कट करते समय ध्यान रखिए कि आपके जो कटिंग है उसमें दोनों पर्दे बिल्कुल, जो ये जो दोनों पीसेज हैं वो बिल्कुल सेम आए, और कहीं से भी कटिंग इधर उधर ना जाए, टेढ़ी ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा, साइज़ की दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि शर्ट में से अगर मैं सेम बना रही, तो शर्ट इतनी बड़ी नहीं होती है कि अगर वो ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो आप इधर उधर से कपड़ा ले लोगे। तो आप पूरा शर्ट से ही बनाना है, डिज़ाइनर बनाना, वो भी मैं आपको किसी अलग वीडियो में डिज़ाइनर्स बताऊँगी। तो देखिए मैंने कुशन को रखा है इस पर, लेकिन मैंने देखा कि कुशन से छोटा पीस हो गया है, मतलब इसमें मुझे अभी कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा आइडिया था, मेरे पास इसकी बाजू थी, जो बाजुएं थी, स्लीव्स थी शर्ट की, वो हैं। तो मैं देखिए इन स्लीव्स को यूज़ करूँगी डिज़ाइन देने के लिए, और मैं साइड में इनको कट कर लूँगी निशान लगा के, कि मुझे कितना लंबा कितना चौड़ा कुशन चाहिए। एक साइड से मैं इस तरह से कट करके और इसको यहाँ पर स्टिच कर दूँगी, और अब ये इसके बराबर आ जाएगा। मैंने मार्क कर लिया है, क्योंकि वो लेंथ में ज़्यादा था शर्ट का, जो पीस मैंने फोल्ड करके कट किए थे दो पीस, तो इस तरह से मैंने उसको कुशन के हिसाब से जितना मुझे साइड्स में स्टिच करना है, सिलाई लगानी है, उसको छोड़ के बाकी मैंने उसको कट कर लिया है, थोड़ा थोड़ा कुशन से बड़ा, क्योंकि इसमें धागे भी नहीं निकलेंगे, कॉटन है, तो मुझे ज़्यादा अंदर फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्लीव को भी मैंने कट कर लिया है, दोनों स्लीव्स को मैं एक एक स्लीव को दोनों कुशन्स में इस तरह से यूज़ कर लूँगी। तो मैंने देखिए कट करके स्लीव को, और यहाँ पर इसको मैं जॉइन कर लूँगी इस तरह से, इसको यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही जॉइन कर दूँगी, इसको स्टिचिंग कर दूँगी सीधा करके। तो देखिए इस तरह से मैं इसको जॉइन कर दूँगी, सिलाई लगा दूँगी, तो सिलाई से बहुत पक्का हो जाएगा। वैसे भी चेक का शर्ट है, तो इसमें कहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहीं से इसमें एक्स्ट्रा पीस भी ज्वाइन किया है। तो देखिए ये मैंने स्टिचिंग कर दी, और आपको दिख भी रहा है जो अंदर की साइड मैंने स्टिच की है, और जो बटन है उनको प्लीज़ आप खोल के ही रखिए यहाँ से, क्योंकि बाद में आप चारों साइड से इसको फुल्ली सिलाई कर दोगे। बटन से ही आप इसको सीधा करोगे, बटन से ही आप इसके अंदर कुशन को फिट करेंगे। तो इसको मैं सिलाई कर दूंगी, सिलाई के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जो शर्ट है वो कॉटन की है, तो धागे निकलने की कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई धागा नहीं निकलेगा, इसलिए ज़्यादा शर्ट अंदर फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बटन जो मैंने खोल के रखे थे वहाँ से मैंने इस कुशन कवर को सीधा कर दिया है,
और अब मेरा ये कुशन कवर तैयार हो गया। रियली इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा था कि शर्ट को किस तरह से कुशन में कन्वर्ट कर दिया है, कुशन कवर में कन्वर्ट कर दिया है, और ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे। तो ये किस तरह का आइडिया लगा, कैसा आइडिया लगा, तो ये तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये आइडिया मेरा शर्ट, पुरानी शर्ट को यूज़ करके कुशन कवर बनाने का, पुरानी साड़ी को यूज़ करके कुशन बनाने का, और छोटी छोटी कतरे बना के कुशन बनाने का जो आइडिया है, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा सपोर्ट और मोटिवेशन है। तो देखिए मैंने उसमें कुशन को फिल करके और बटन्स को भी बंद कर दिया है। ये मेरे पास इसी साड़ी की, जिससे मैंने कुशन बनाया था अभी, उसी साड़ी की लेस है। मैंने पहली भी एक वीडियो में यूज़ की थी जिसमें मैंने DIY बनाया था फ्लावर पॉट का, तो यही लेस मैं जहाँ से मैंने स्टिच किया था उस स्टिच को दबाने के लिए यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन कर दूँगी और यहाँ पे इसको सील दूँगी इस तरह से। तो देखिए मैंने इसको इसके साइज़ के हिसाब से कट कर लिया है लेस को, और अब मैं दोनों साइड से जो लेस है इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करूँगी इस तरह से, और यहाँ से स्टिच कर दूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेस के धागे निकल जाते हैं, पूरा का पूरा फिर उसका जो ब्यूटी होता है जो लेस का, वो ख़राब हो जाता है क्योंकि लेस के धागे निकलने लग जाते हैं। तो मैं पहले से इसको यहाँ से सुई से, हाथ से ही सिलाई कर दूँगी दोनों साइड से, और अब मैं इसको, इस लेस को कुशन कवर के ऊपर स्टिच कर दूँगी। और मैंने हाथ से स्टिच किया है और सेंटर से एक एक छोटी छोटी सिलाई लगा दी है। एक बात ध्यान रखिए कि कुशन के साथ लेस को मत सीलिए, क्योंकि बाद में जब आप कुशन कवर को निकालेंगे वॉश करने के लिए, तो ये आपको पूरा का पूरा लेस निकल जाएगा, क्योंकि धागा वहाँ से अटैच हो जाएगा कुशन से। तो इस लेस को सिर्फ और सिर्फ आप कुशन कवर के साथ ही सिलाई कीजिए। तो मैंने अंदर से जहाँ से बटन खोले थे वहाँ से इसको कुशन के साथ ही, कुशन कवर के साथ ही स्टिच किया, कुशन के साथ नहीं किया, और इस तरह से स्टिच करके मैंने अब ये बटन्स बंद कर दिए। तो देखिए आपको अभी से ही लग रहा है कि इसका कुशन का जो लुक है वो बिल्कुल रेयर है, इस तरह के कुशन बहुत कम मिलते हैं देखने को, बहुत डिज़ाइनर है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। और एक चीज़ का ध्यान दीजिए, मैंने इनको अलग बनाया है, एक साइड मैंने जो पैटर्न किया है बटन का वो साइड में है थोड़ा सा, और एक में, एक कुशन में मैंने जो बटन्स का जो पैटर्न किया है वो बिल्कुल सेंटर में है। तो देखिए ये बहुत सुंदर है, दोनों कुशन कवर, कुशन को मैंने रेडी कर लिया। ये मेरे पास है कलर, जो पेंट कलर होता है, हम दरवाज़ों पे करते हैं, खिड़कियों पे करते हैं या दीवार पे करते हैं, पेंट कलर है जो वॉश करने पर बिल्कुल नहीं निकलेगा, वाटरप्रूफ होता है। तो इसको मैंने अपनी फिंगर से उससे लिया, जिससे टीका करते हैं हम, इससे लिया है, और बटन्स को मैंने कलर कर दिया है, क्योंकि वाइट कलर थोड़ा सा ब्राइट होता है और बहुत ही रॉयल लुक देता है हर जगह, तो मैंने इस तरह से बटन्स पे ये कलर लगा दिया है। और अब मुझे आइडिया आया, तो आप मत कीजिए आपको ऐसे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे आइडिया आया, तो मैंने जो ये चेक हैं शर्ट के, इसमें अपनी इसी फिंगर से छोटे छोटे डॉट्स कलर के लगा दिए हैं, क्योंकि इस तरह का कोई डर नहीं है कि भाई ये वॉश करेंगे तो निकल जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, और सूख के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत बड़ी पकड़ अपने अपनी ये कलर शर्ट के ऊपर, कपड़े के ऊपर बना लेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने कुशन पर डॉट लगा दिए हैं, देखिए अभी से कितना सुंदर इसका, बिल्कुल रॉयल, बिल्कुल लाइट, अच्छा सा रॉयल कलर लग रहा है, स्काई ब्लू, येलो, इस मस्टर्ड येलो, नेवी ब्लू, वाइट का जो स्ट्रिप्स आ रही हैं चेक में वो बहुत सुंदर लग रही हैं, और इसके साथ ये वाइट डॉट्स जो मैंने लगाई हैं तो इस पर बहुत ही सुंदर लग रही हैं। मुझे लगता है कि इतना सुंदर शायद वीडियो में ना लगे, लेकिन ये रियल में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखिए ये एक कुशन, और ये दूसरा वाला कुशन भी मैंने इसी तरह से डॉट डॉट करके इसको भी डेकोरेट कर दिया है। तो देखिए इस तरह से ये डेकोरेट हो गया है। जहाँ जहाँ आपका मन करे किसी भी पैटर्न से, किसी भी थीम के साथ आप इसमें डॉट्स लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो आपकी मर्जी है। तो देखिए ये मेरे कुशन कवर से ही मैच करती हुई, मेरे पास एक बेडशीट पड़ी हुई थी, इसको मैंने अपने इस सोफ़े पर बिछा लिया। ये सोफ़ा कम सेटी, सेटी जो बोलते हैं, इस तरह से है, तो इसको मैंने इस पैटर्न में
इस बेड शीट के साथ मैच करते हुए और अपने सोफे पर रख दिया है इस तरीके से। और ये मेरे पास टेडीज थे, तो आपका जिस तरह से मन करे आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। लेकिन मेरा जो थीम है, जो ये आप ये बेड शीट है और जो ये हार्ट वाले कुशन्स हैं और जो मैंने कुशन अब बनाए हैं, इनका जो कवर है ये बिल्कुल बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं। और जो साइड में बूस्टर हैं वो भी ब्लू हैं और वो भी इसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं। तो देखिए बेड शीट कितनी सुंदर लग रही है, इसका कितना अच्छा गेटअप आया है, कितना अच्छा लुक आया है। और जिस तरह से आप टेडीज़ को, जिस तरह से आप हार्ट कुशन्स को और इन अपने जो नए अभी मैंने जो ये कुशन्स बनाए हैं क्रिएटिविटी, तो आप इनको किसी भी तरह से प्लेस कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। तो देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप किसी भी तरीके से, देखिए मैंने अलग अलग पैटर्न में दिखाया है कि मैंने कुशन्स को किस किस तरीके से अपने सोफ़े पर लगाया है, और ये हर तरीके से बहुत 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 ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे नई अपडेट्स को पता करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाइस।